22 साल 2020 भले ही कुछ लोगों के लिए अच्छा ना गया हो, लेकिन 2021 की शुरुआत कई फिल्म जगत और टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े हुए कलाकारों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। आपको याद होगा ये जादू है जिनकी रोशनी और कलीरे की मीरा यानी कि अदिति शर्मा, इनके आंगन में भी खुशियों की बहुत सारी जो हैं रोशनी आ गई हैं और सारा अंधेरा दूर हो गया। तो आज हम उनको उसी बात की बधाई देने आए हैं और चलिए देखते हैं सास बहू और बेटिया के साथ अदिति के घर अतिथि बनकर जब हम आए हैं तो अदिति हमारा अतिथि देवो भव कैसे करती हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, वेलकम सास बहू एंड बेटिया टू माय लिटिल आशियाना, कम ऑन इन। एंड आज फाइनली हम इतने टाइम बाद मिल रहे हैं और आज डे स्पेंड करने वाले हैं। सो आई एम तो वेरी एक्साइटेड, आई होप यू आर ऑल्सो एक्साइटेड। एंड आप एकदम परफेक्ट टाइम पे आए हैं क्योंकि मेरा मेकअप बस चल ही रहा था एंड यू नो आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है फॉर द शो क्रैश विच इज़ रिलीजिंग ऑन 14th of February। वैलेंटाइंस डे पर भाई बहन की कहानी आ रही है, यू नो लव इज लव। सो आई रियली होप आप लोग वो देखेंगे। सो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है एंड मैं रेडी हो रही हूँ और मैंने सोचा क्यों ना आज का दिन मैं स्पेशली आप लोगों के साथ बताओ, सास बहू और बेटियों के साथ बताओ। सो अभी आए, ये मेरा घर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको घर दिखाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा डेकोरेटेड है। आप सोचोगे कि ऐसा क्यों है, यू नो रोजेस, बुकेस, बलून्स एंड इतना कुछ तो हो क्या रहा है। सो आई विल टेल यू, इट इज़ बेसिकली इंस्टाग्राम पे आई हैव हिट 1 million एंड एज यू ऑल नो सोशल मीडिया गेम आजकल स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए। सो रिसेंटली मैंने 1 million हिट किया एंड आई एम रियली रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड आई फील ब्लेस्ड अबाउट इट। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैंने तो पूरी पार्टी प्लान की थी बट आई वॉज नॉट हियर, मैं कहीं और थी, बाहर गई हुई थी जब मेरे 1 million हुए एंड आई वॉज लाइक दैट इज़ इनसेन क्योंकि लोग इतना प्यार दे रहे हैं आफ्टर द शो एंडेड, ये जादू जनका ख़त्म होने के बावजूद लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। सो आई फील रियली ब्लेस्ड अबाउट इट। ऐसे प्लीज़ आप मेरे सारे प्रोजेक्ट्स को प्यार दीजिएगा। सो आई एम नॉट श्योर कब होंगे 10 million बट फिंगर्स क्रॉस जल्दी होंगे, वो भी होंगे। एंड 1 million तो हो गए हैं बिकॉज इट्स अ वेरी बिग डील आई फील, क्योंकि दिल्ली की छोटी से यू नो मतलब दिल्ली से आई मैं एंड यू नो ज़्यादा कुछ करा नहीं, कुछ नहीं एंड यू नो कमिंग ऑल दिस वे स्लोली स्टेडिली एंड यू नो प्रोग्रेस हुआ। सो आई फील रियली हैप्पी क्योंकि ऐसा नहीं था कि एक दिन में कोई वीडियो वायरल हुई और 1 million हो गए। फॉर मी इट्स ह्यूज क्योंकि स्लोली स्टेडिली हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, 1 million पहुँच गए हैं तो इंशाल्लाह 10 million भी बहुत जल्दी पहुँचेंगे। तो कमन इन, वैसे बहुत सुबह हो रही है अभी मेरे लिए तो, बट कमन इन। सो दिस इज़ माई ड्रॉइंग रूम एंड आई लव दिस स्पेस क्योंकि ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, मुझे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल यही दिखता है। एंड मैं आराम से यहाँ पे बैठ के अपना कॉफ़ी पी के अपना रिलैक्स करके, जब भी मैं घर पे होती हूँ जो कि बहुत कम होता है, पर मैं ड्रॉइंग रूम में बैठती हूँ। देन दिस इज़ अ फोटो फ्रेम गिफ्टेड बाई अ फैन एंड मेरी एक प्रॉपर फोटो फ्रेम वॉल है पूरी, क्योंकि इतने सारे फोटो फ्रेम्स आते हैं, गिफ्ट्स आते हैं, आई रियली अप्रिशिएट देम ऑल। सो वन ऑफ विच इज़ दिस वॉल विच आई विल शो यू, ये वाली वॉल है मेरी गिफ्ट वॉल। सो बेसिकली ये सारे फोटो फ्रेम्स जो थे वो मुझे मेरे फैंस ने गिफ्ट किए हैं, जितने भी आते हैं सो आई पुट देम अप हियर। कुछ कुछ जो पुराने हो गए वो नहीं लगे हुए, सो ये मैं सोच रहा कि आपने भिजवाया था और वो है नहीं यहाँ पे। तो ये कलीरे से फ्रेम है एक्चुअली, ये कलीरे के टाइम का है एंड ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट फ़ोटो तो यही है, ये दोनों एंड वही सबसे ज़्यादा विजिबल है सेंटर में। ये कलीरे में जब मैरिज सीक्वेंस चल रहा था तब की है। सो या आई लव्ड कलीरे, आई लव्ड ये जादू है जिनका एंड आई एम लविंग क्रैश।
ऑलराइट, चलिए अब हम मेरे रूम में चलते हैं जहाँ पे मेकअप हो रहा है, क्योंकि हमें फटाफट से रेडी होना है, 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो फटाफट से रेडी होके वी विल मूव ऑन। सो ये मेरे मेकअप पेन है, स्टाइलिस्ट है, ये पंकज दादा है जो आज मेरा मेकअप करने आया है यहाँ पे, एंड अपना इंट्रोडक्शन आप खुद दो। आइए, आशा दीदी आती है यूजुअली। दमयंती सावन। दमयंती दीदी है ये आज मेरा हेयर एंड मेकअप कर रहे हैं। सो वी विल हेड बैक एंड फटाफट से हेयर मेकअप करते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे और मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। जी वैसे ठीक है, मैं रूम दिखाई देती हूँ बिफोर सिटिंग बैक। ये मेरा रूम है एंड अभी थोड़ा मैसी हो रहा है क्योंकि हम रेडी हो रहे थे, बट दिस इज़ माई फेवरेट कॉर्नर ऑनेस्टली, क्योंकि यहाँ पर मेरी सारी पिक्चर्स लगी हुई है, ये मेरी मम्मा ने डेकोरेट किया था ड्यूरिंग माई बर्थडे, एंड आई फील सो ब्लेस्ड। ऐसे प्रिंसेस वाइब्स आती है ना, ऐसे ऐसे लगा होता है। सो दीज आर द पिक्चर्स एंड आई लव माई बालकनी बिकॉज यहाँ पर इतनी अच्छी स्पेस है एंड ग्रीनरी। सो बेसिकली दिस इज माई फेवरेट कॉर्नर बिकॉज मेरी बालकनी मेरे लिए सब कुछ है यार। आई लव ग्रीनरी एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम यहाँ। मैं इधर बैठ के गिटार भी बजाती हूँ, ग्रीनरी देखती हूँ, पहाड़ देखती हूँ अपने घर से, एंड आई जस्ट लव दिस स्पेस। बहुत शांत है एंड मुझे बॉम्बे में बालकनीज कम होती हैं, सो ये जगह पे है एंड आई एम सो हैप्पी आई एम स्टेइंग हियर। सो यहाँ पे भी डेकोरेशन है बट इट्स जस्ट यू नो, मैं कोई भी गिफ्ट वेस्ट नहीं करती है, जो भी चीज़ें आती हैं मैं उनको ऐसे थ्रो अवे नहीं करती, आई जस्ट कीप देम बिकॉज आई लव द लव यू ऑल गिव मी। सो लेट्स बैक इन एंड लेट्स स्टार्ट गेटिंग रेडी अगेन।
So that's what I'm having right now क्योंकि बहुत लंबा दिन होने वाला है बिकॉज प्रमोशंस चल रहे हैं बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है घर से बाहर रहने वाले हैं सो मम्मा ने मेरे लिए यम्मी पैनकेक्स बनाए नहीं एक्चुअली इससे पूरा दिन तो डेफिनेटली नहीं निकलेगा बट क्योंकि देर बाद में लंच मम्मा ले आती है सेट पे यूजली स्पेशली उसे पास होता है आज पास में है तो प्रॉबेबली मम्मा आपका लंच के टाइम आएंगे तो आज अतिथि के लिए इसलिए भी खास दिन है क्योंकि वेब की दुनिया में इनका डेब्यू होने वाला है छोटे पर्दे पे आपने देख लिया आप छोटे से मोबाइल पे भी इन्हें देखिएगा तो किस लिए है आज का आपका खास दिन और कहाँ जाने की तैयारी है आज फाइनली मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और क्रैश रिलीज होने वाला है 14th of February को सो आई एम वेरी एक्साइटेड फाइनली आप मुझे अपनी टीवी स्क्रीन्स के अलावा Z5 एंड ऑल टोपोलॉजी पे भी देख पाएंगे विच आई फील इज़ अ बिग डील क्योंकि फर्स्ट है एंड फर्स्ट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट सो फाइनली आई एम डेब्यूइंग इन वेब वर्ल्ड तो प्लीज़ जल्दी से चलते हैं क्योंकि मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लेट नहीं होना चाहती सो लेट्स गो